वक्त की सबसे बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के जालौन से आ रही है, जहां पर एक रेप पीड़िता के पिता ने फांसी लगाकर जान दे दी। पुलिस द्वारा कार्रवाई न किए जाने से थे परेशान, अब दे दी खुद की जान। मृतक की बेटी से दो युवकों ने किया था रेप। 30 मई से थाने में चक्कर लगा रहा था मृतक पीड़ित और पीड़िता बेटी। पुलिस आरोपियों के खिलाफ नहीं कर रही थी कार्रवाई, उल्टा पुलिस पर धमकी देकर बयान बदलवाने के आरोप लगाए गए। पीड़िता के पिता ने जन सुनवाई पोर्टल पर भी दर्ज कराई थी शिकायत, इसके बावजूद नहीं हुई कोई कार्रवाई। जालौन के एट कोतवाली के अकौड़ी बैरागढ़ की ये पूरी घटना बताई जा रही है। मतलब क्या नाम है आपका? अंजिका। अच्छा ये बताइए कि आपके साथ क्या घटना घटी थी? मेरे साथ बलात्कार हुआ। चाचा मुझको बुलाने आए कि अंजिका हमारे साथ चलो, तो हमको मंसकी के गले वाले गए और दो लोगों ने मौजूद था, इन लोगों ने हमारे साथ बलात्कार किया। फिर मेरे को धमकी दी और कहा कि तुम अपने घर में बताओगी तो हम तुमको मार डालेंगे। तो हमने मम्मी पापा को बताई नहीं, तो हमने मम्मी पापा बाहर से आए तो हमने बताई, तो उन्होंने हमें गांव में अफवाह कर दी और इन्होंने हमको दवा खिलाई। कब की घटना है? 2 महीना पहले की। हाँ, इन्होंने हमको दवा खिलाई, मैं प्रेग्नेंट थी, इन्हीं का था, तो इन्होंने हमको दवा खिला कर गिरवा दिया और हम उस एट गए, तो हमारी बिल्कुल सुनवाई नहीं हुई। इन्होंने रुपया भर दिया था, हमारे माँ बाप को धमकी दी। वो कौन लोग हैं? देवन और गोलू। और एट में गए थे तो गौतम जी ने धमकी दी माँ बाप को, कई उल्टे उल्टे बयान करो आप, हम सीधे कर रहे थे तो हमको बोलने नहीं दिया इन्होंने। तो हमारे माँ बाप से दस्तखत भी करवा लिए, सो कहा कि अब तुम्हारे बाप को उल्टे लटका देंगे हम। हमारे पापा डर गए। तो पापा ने तुम्हारे सुसाइड कर लिया? हाँ। अच्छा दोनों लोगों द्वारा बलात्कार किया गया था? हाँ दोनों ने किया। एक तरफ जहां उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ अपराधियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति की बात करते हैं, वहीं उत्तर प्रदेश के पुलिस मुख्यमंत्री के मंसूबों पर पानी फेरने में लगी है। ऐसे में इस पूरे मामले में दोषी पुलिस कर्मियों पर क्या कार्रवाई होगी, यह एक बड़ा सवाल है।